यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। समर वेकेशन में प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था बनाने के लिए, तो बच्चों ने इतना मेहनत किया था कि मैडम लोगों का बच्चों के प्रति रिक्वेस्ट आया कि जब बच्चे इतना मेहनत किए हैं तो उनको कुछ दिया जाए। ऐसा कोई पहले से व्यवस्था नहीं थी या बताया नहीं गया था कि उनको प्राइज दिया जाएगा, लेकिन बच्चों की मेहनत की वजह से हम लोगों ने यह विचार किया कि बच्चों को दिया जाए। इसीलिए दूसरी मसला ये थी कि बहुत से बच्चों को ये तकलीफ होगा कि फर्स्ट आए कि सेकंड आए कि थर्ड आए, वो पोजीशन तो जरूर है लेकिन आपके प्राइज पर नहीं दिया गया है कि फर्स्ट पोजीशन है कि सेकंड पोजीशन है। बस ये समझिए कि हमको सम्मान मिला है और जिनको सम्मान मिला है उनको और मेहनत करना है कि हम अच्छा से अच्छा पोजीशन लाएं क्लास में आगे भी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन वालों को बुलाएंगे। सब उठे मैम आ गए। नाम है कम मेहनत है भाई, आपको कोई प्राइज मिल रहा है आपका सुबीर नाम का तो लगता है एग्जाम
कोई भी हो गया ना सबका नेता मैं तो मामला इसलिए फाइव पोजीशन गोज टू क्लास ए आदित्य नहीं मिला प्रयास रहे कि नहीं मिला इस बार तो अगली बार मिले ये होनी चाहिए। और एक स्कूल के तरफ से और एक पुरस्कार क्या ऐसे समझिए कि एक तरह से सांत्वना तो हमका हमारा सामने जो कभी कभी ये होता है कि दिखता नहीं है लेकिन वो मिलता जरूर है। सामने से नहीं पीछे से मिलेगा छुपा हुआ मिलेगा लेकिन वो हम मेहनत कर रहे हैं कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा जो मेहनत करती हैं टीचर उन्हीं को सुनने को भी मिलता है। इससे कभी वो माइंड से ना लिया करें कि सर बार बार हम ही को आकर डांटते हैं। आप ही करती हो तभी आपको डांटा जा रहा है कि ये सही कर लो। और जो कुछ नहीं मालूम है जिसको तो उसको क्या डांटेगा उसको क्या करने जाएगा कि आप ये करो वो करो। जो करता है उसी में आपने फील किया होगा आप लोग बड़े हैं खास करके टीचरों के लिए कि जिसके घर में कोई जो मालिक होगा सबसे ज्यादा बुरा वही बना रहता है और सबसे ज्यादा करता है। तो आपको अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आप स्कूल के लिए क्या हैं। सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है तो आप स्कूल के लिए बहुत कुछ हैं। तो एक छोटा सा प्राइज है जो हर वक्त हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहती हैं बच्चों को उत्साहित करते रहते हैं तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। कम ऑन द स्टेज मिस नेहा।